हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस ट्वेल्थ इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं, हम लोग बायोलॉजी का क्लास करने वाले हैं। और हम लोग का जो ये क्लास है इसमें 2000 क्वेश्चंस होंगे, 2000 क्वेश्चन के सीरीज़ हैं। इसमें जो आप लोग का 70 out of 70 नंबर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, अगर आप लोग ये क्लास को जो है पूरा देख लेते हैं। और इसमें हम लोग 65 डेज चैलेंज भी करने वाले हैं आपको। इसमें से मैं रोज़ क्वेश्चन दूँगी 35 क्वेश्चन, और इससे आप लोग का जो बायोलॉजी है एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को कहीं का भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ये एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन है, जितने भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है सारे इसी में से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में सही चुनाव करना है, चूज द करेक्ट वन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से सही का चुनाव करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, स्पंज का जूस पॉर, बी जो मेरा पेनिसिलियम में जिमुलस, और सी जो हमारे सेवाल में कॉनेडिया, और डी जो हमारा हाइड्रा की कलिका। इसमें से हमें सही का चुनाव करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का स्पॉन्ज का जूस पोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, ईक यानी कि जो शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं होता हो सकता है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है, यानी कि ग्राफ्टिंग कैन नॉट टेक प्लेस इन शुगर केन बिकॉज वैस्कुलर बंडल्स जो है बिखरे होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो बिखरे होते हैं, इसी के कारण जो है ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो वो 4 आ गया है, पर हम लोग यहाँ पे नंबर वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। तो 3 देखते हैं यहाँ पे, मिंट यानी कि पुदीना कायिक परिवर्धन करता है, जो पुदीना है वो कायिक परिवर्धन करता है, तो कैसे करता है, क्या वो अंत भूस्तरीय करता है या फिर ऊपरी भूस्तरीय करता है या फिर भूस्तरीय करता है या फिर प्रकंद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का अंत भूस्तरीय। क्या होगा इसका राइट आंसर, अंत भूस्तरीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कुकुर यानी कि कुत्ता का संभावित जीवन काल जो है होता है, जो कुत्ता है वो कितने साल जीता है ये बताना है हमें। क्या कुत्ता 20 वर्ष जीता है या फिर 15 या फिर 10 या फिर 5, तो आपको इसमें बताना है कि कुत्ता है वो कितने वर्ष जिएगा। तो डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है वो हो जाता है हम लोग का 15 वर्ष, कितना 15 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, साह को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार के ग्राफ्ट के वृक्ष के फल किस पर निर्भर करते हैं, जो किस पर निर्भर करते हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है, इसमें बताना है कि किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का साग, यानी कि साग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसे जो हम लोग कहेंगे वो कहेंगे हम लोग कोशिका चक्र कहेंगे, क्या कहेंगे, कोशिका चक्र कहेंगे। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को जो कहेंगे हम लोग यही कहेंगे, कोशिका चक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो इसमें बताना है कि किसके द्वारा होता है कायिक प्रजनन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम के द्वारा जो है पत्तियों के खंडे द्वारा कायिक प्रजनन होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, जो रात में पुष्प खिलता है यानी कि फ्लावर, वो कैसे होते हैं, क्या वो हल्के होते हैं या फिर छोटे होते हैं या फिर सी जो हमारे चमकीले रंगों वाले होते हैं, डी फॉर गच्छों में खिलते हैं, लेकिन जो गुच्छा होता है ना वैसा। तो रात में जो खिलने वाला पुष्प होता है वो छोटे होते हैं, आपने रातरानी देखा होगा छोटे छोटे होते हैं ज़्यादातर, साधारणतः रात में जो पुष्प खिलते हैं वो छोटे ही होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है, ये बिहार बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि उभयलिंगी प्राणी क्या है। ऑप्शन है हम लोग का मुर्गी, बी जो हमारा सांप, और सी जो हमारा ए बी दोनों, और डी जो हमारा केचुआ। तो जो उभयलिंगी प्राणी है वो हो जाएगा हम लोग का केचुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, तो इसको हम लोग का क्या कहेंगे ये बताना है। ऑप्शन है हम लोग का जीवन काल, बी जो हमारा जीवन चक्र, सी जो हमारा कायिक अवस्था, और डी जो हमारा सभी। इसमें से हम राइट आंसर बताना है कि जो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग कहेंगे वो कहेंगे हम लोग जीवन काल, क्या कहेंगे जीवन काल, इसका कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर, अकारकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीव को कहते हैं, जो समान जीव है उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या उसे हम लोग क्लोन कहेंगे या फिर सोमो क्लोन कहेंगे या फिर कॉजमिड्स कहेंगे या फिर साइब्रिड्स कहेंगे।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग कहेंगे क्लोन कहेंगे। ये क्वेश्चन दो नंबर में भी आते हैं कि क्लोन किसे कहते हैं, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, जो अमीबा है उसमें प्रजनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पेनिसिलियन में प्रजनन होता है, जो पेनिसिलियम है उसमें प्रजनन कैसे होता है। ऑप्शन हम लोग का कलिका, बी जो हमारा विखंडन, सी जो हमारा जेम्यूलस और डी जो हमारा कोनेडिया। इसमें से राइट आंसर बताना है कि पेनिसिलियम है उसमें प्रजनन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कोनेडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मासिक चक्र किस में होता है। ऑप्शन है हम लोग का ए बंदर, बी है हम लोग का ऐप मतलब कपी यानी कि लंगूर, सी जो हमारा मानव और डी जो हमारा है इनमें से सभी। तो इसमें बताना है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदर में भी होता है, लंगूर में भी होता है और मानव में भी होता है, यानी कि इसका डी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आम के फल में खाने वाला भाग, जो हम लोग आम है उसका कौन सा भाग खाते हैं। क्या हम लोग बाह फल भित्ति खाते हैं, या फिर मध्य फल भित्ति खाते हैं, या फिर अंत फल भित्ति खाते हैं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं खाते। तो आम का जो हम लोग खाने वाला भाग होता है वो हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, उसके मध्य में जो होता है फल भित्ति उसी को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है हम लोग का कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बिना निषेचन के फल बनाने वाले प्रक्रिया को कहते हैं। जो बिना निषेचन का ही फल बन जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे जो हम लोग कहेंगे पोर्थेनोकॉर्पिक कहेंगे। क्या कहेंगे? पोर्थेनोकॉर्पिक कहेंगे, क्योंकि यह बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को हम लोग पोर्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, जो आंतरिक निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन हम लोग का पक्षी, बी जो हमारा मेढक, सी जो हमारा स्तनपाई और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि किसमें जो है आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेढक हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द्विखंडन एक प्रकार का है, जो द्विखंडन है वो क्या है। द्विखंडन क्या है? कायिक प्रवर्धन है, या फिर अलैंगिक प्रजनन है, या फिर लैंगिक जनन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। तो द्विखंडन जो एक प्रकार का है अलैंगिक जनन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन अंडज है। इसमें अंडज बताना है। ऑप्शन हम लोग का एकिडिना, बी जो हमारे कंगारू, सी जो हमारे गाय और डी जो हमारे इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं अंडज बताना है, या फिर अंडज कौन मतलब अंडे कौन देता है। कंगारू तो नहीं देगा, गाय भी बिल्कुल नहीं देगी और डी इसमें कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिडिना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक पक्षी है जो अंडे देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्पित होते हैं, कौन से ऐसे। ऑप्शन है हम लोग का बांस, आम, ताड़ और इनमें से कोई नहीं। पूरे जीवन काल में एक बार सिर्फ पुष्पित होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांस हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो बांस है वो सिर्फ पूरे जीवन काल में एक बार पुष्पित होते हैं, तो इसका राइट आंसर बांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा द्विगुणित है। इसमें द्विगुणित बताना है कि द्विगुणित कौन है। तो ऑप्शन हम लोग का पराग, बी जो हमारा अंड और सी जो हमारा ए बी दोनों और डी जो हमारा युग्मनज। इसमें से हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित बताना है, यानी कि 2n। तो इसका राइट आंसर युग्मनज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस फल की बीचोल खाया जाता है। हम लोग को बताना है किस फल का बीचोल खाया जाता है। ऑप्शन हम लोग का शरीफा, बी जो हमारा लीची और डी सी जो हमारा है जायफल और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी, क्योंकि हम लोग शरीफा का, लीची का और जायफल तीनों का हम लोग जो है बीचोल खाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, समयुग्मकी पाई जाती है। जो समयुग्मकी पाई जाती है किस में पाई जाती है, क्या वो शैवाल में, या फिर आवृत बीजी में, या फिर अनावृत बीजी में, और डी क्या है, डी जो इनमें से सभी। तो जो समयुग्मकी है वो पाई जाती है इनमें से सभी में पाई जाती है, इसका डी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है, यानी कि अंडे कौन देता है। सर्प भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी अंडे देता है और मुर्गी भी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है। इसमें सत्य फल बताना है कि कौन सा सत्य फल है। ऑप्शन हम लोग का सेब, बी जो हमारे नाशपाती, सी जो हमारे काजू होगा यहाँ पे
और डिजमन नारियल, इसमें से सत्य फल बताना है, तो सत्य फल जो हम लोग का है नाशपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाशपाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मुकुल द्वारा जनन किसमें होता है, जो मुकुलन है उसमें किसके द्वारा होता है, ऑप्शन हम लोग का पेनिसिलियम, और बी जो हमारा है पैरामीसियम, और सी जो हमारा ईस्ट, और डी जो हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार आता है। तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा मिथ्य फल है, इसमें मिथ्य फल बताना है कि कौन सा मिथ्य फल है। ऑप्शन है हम लोग का सेब, आम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का सेब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है, इसमें बताना है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन हम लोग का जलकुंभी, बी जो हमारा कमल, सी जो हमारा अमीबा, और सी डी जो हमारा सर्प। इसमें बताना है द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन जो है अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जेमुलस बनते हैं, जो जेमुलस बनते हैं कहाँ बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पंज में बनते हैं, क्या हो जाएगा, स्पंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, तो लीची का जो हम लोग खाया जाने वाला भाग जो होता है, हम लोग का बीचोल खाते हैं, उसका क्या खाते हैं, बीचोल। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में इसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, इसमें बताना है कि ऑस्ट्रस साइकिल किस में नहीं होता है। ऑप्शन है हम लोग का गाय, बी जो हमारा भेड़, और सी जो हमारा बंदर, और डी जो हमारा कुत्ता। इसमें बताना है राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बंदर, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, इसमें द्विलिंगी नहीं बताना है कि कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए हम लोग का फीताकर्मी, और सी जो है, बी जो हमारा कुत्ता, सी जो है, डी हमारा स्पंज। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द्विलिंगी, वो हो जाएगा हम लोग का फीताकर्मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्या वो शैवाल शिकागो में होती है, या फिर नहीं होती है, या फिर ब्रायोफाइटस में होती है, या फिर टेरिडोफाइटस में होती है, डी जो हमारा जिम्नोस्पोर में होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिम्नोस्पोर होगा, इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का, भ्रूण के विकास की क्रिया को हम लोग कहते हैं, जो भ्रूण जो होता है वो पूरा इस जो विकास होता है इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको जो हम लोग कहेंगे वो हो जाएंगे, कहेंगे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आज का जो हम लोग का क्लास था वो यहीं तक का था। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।